प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से मसीह में सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। विश्वास, उसके बारे में हम सीख रहे थे। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 8 वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। विश्वास ही से इब्राहिम ने जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके पहले अध्याय पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं, उस अब्राहम की बुलाहट को हम देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 4 वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। विश्वास 12 अध्याय में जो ये बुलाहट है, हमें लगता है कि परमेश्वर अब्राहम को यहां बुला रहा है, लेकिन वास्तव में अब्राहम की जो बुलाहट थी वो 12 अध्याय में नहीं थी, 11 अध्याय में थी। 11 अध्याय अगर आप उसके 31 वचन को पढ़ें, 31 वहां लिखा है, और तेरा अपना पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। और जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। अब्राहम की बुलाहट कसदियों के देश में हुई, मिसोपोटामिया। परमेश्वर अब्राहम को कसदियों के ऊर से कनान ले जाना चाहते थे, परंतु अब्राहम अपने पिता और अपने लोगों के साथ ऊर से निकला तो सही, लेकिन कनान नहीं पहुंचा, हारान में पहुंचकर वहीं रहने लगा। तेरा उसके पिता भी उसके साथ थे, और जब तेरा की मृत्यु हुई हारान में, तब परमेश्वर अब्राहम को फिर से कहते हैं अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हारान वो देश नहीं है जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं, वो देश कनान है जो दूध और मधु की धाराएं जिसमें बहती हैं। देखिए प्रियो, अब्राहम के उस आज्ञाकारिता को अगर हम देखें जो उसने पहली बुलाहट के समय की थी, तो वो सिद्ध आज्ञाकारिता नहीं थी, परफेक्ट आज्ञाकारिता नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था अपने देश को छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़ और अपने पिता के घर को छोड़, लेकिन अब्राहम अपने पिता के साथ चला। और 11 अध्याय में जब हमने पढ़ा, 13 उनका अगुवाई कर रहा था, और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे हारान के लिए नहीं चुना है, मैंने तुझे कनान के लिए चुना है। 5 वर्ष ये हारान में रहे, लेकिन वो आशीषें जो परमेश्वर देना चाहता था उन्हें नहीं दे पाया,
क्योंकि वो परमेश्वर के बताए हुए स्थान में नहीं पहुंचा था। तब परमेश्वर फिर से अब्राम को बोलते हैं, अब्राम अब तुझे अपना देश छोड़ना पड़ेगा, पिता के घर को छोड़ना पड़ेगा, तब मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। प्रियो, हमारी कई बार आज्ञाकारिता में विलंब या अधूरी आज्ञाकारिता, अब्राहम विश्वासियों का पिता होने के बावजूद भी उसकी आज्ञाकारिता अधूरी थी, डिलेड थी, विलंब था उसमें, लेकिन परमेश्वर ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। वो वास्तव में अब्राहम को एक आशीष का सोता बनाना चाहता था, लेकिन उसे उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां परमेश्वर उसे पहुंचाना चाहता है। और जब दूसरी बुलाहट अब्राहम के जीवन में हुई, तब उसने सब कुछ छोड़कर आगे निकल गया। और आपको मालूम है, अब्राहम ने कभी घर नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था पिता के घर को छोड़कर, क्योंकि 5 साल वो पिता के साथ फिर रहा अपनी उस बुलाहट के बावजूद। अब उसे समझ में आया कि अब मैं घर नहीं बनाऊंगा, अब मैं उस घर की आशा करूंगा जिसमें नींव होती है, जो परमेश्वर के हाथ से बनाया गया है, एटर्नल है। प्रियो, इस संसार में एक्सटर्नल बातें बहुत सी आप देखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इन एक्सटर्नल बातों पर, जो तत्कालिक होती हैं, टेम्पररल होती हैं, उन पर ज्यादा होता है। लेकिन अब्राम एक उदाहरण है, वो उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा जो तत्कालिक है। लेकिन जब हम इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 8 वचन से लेकर जब नीचे पढ़ना शुरू करते हैं, अब्राम के बारे में हमें समझ में आएगा कि अब्राम क्या करता था। वो निकल गया ऐसी जगह के लिए और वो नहीं जानता था कहां जा रहा है। उसने तंबुओं में वास किया, 10 वचन में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राम को समझ में आ गया, यहां पर जो कुछ भी बनाएंगे वो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ फानी है, उसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए जो परमेश्वर बनाता है वो चिरस्थाई है। अगर आप एक्लेसियास्टिक सभोपदेशक की पुस्तक को पढ़ें, ज्ञानियों का ज्ञानी सोलोमन क्या कहता है, उसके 1 अध्याय 14 वचन में, मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। ओ, कितना सुंदर ये वचन लिखा है, ज्ञानियों का ज्ञानी, सर्वज्ञानी, अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर ये बुद्धि से ये लिख रहा है, जिसने इस संसार के ऐशो आराम को अनुभव किया, सब कुछ उसके पास था, सोलोमन। वो कहता है जीवन के अंतिम क्षणों में, मैंने सब कुछ देखा, करके देखा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई, ये सब व्यर्थ है, वायु को पकड़ना है। अगर कुछ शाश्वत है, अगर कुछ सच है, तो वो परमेश्वर है और वो स्वर्ग है। यहां की बातें जाती रहेंगी, लेकिन स्वर्ग और परमेश्वर और उसके वायदे और उसका वचन, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। अब्राहम निकल गया, नहीं जानता था कहां जा रहा है। आप उस विश्वास को देखिए प्रियो, अपने परिवार के साथ निकल गया, ओ कहां जा रहा है, कोई पूछेगा वो कहेगा मुझे नहीं मालूम, अरे कहां रहेगा मुझे नहीं मालूम, लोग कहेंगे ये पागल है। अब्राहम कहेगा तुम मुझे पागल समझो, लेकिन मैं सच में पागल नहीं हूं, मैंने सुना है, मैंने अनुभव किया है, मैं विश्वास करता हूं, और मेरा हर कदम बुद्धि का नहीं विश्वास का कदम है। निकल पड़ा और अब्राहम कौन बन गया, विश्वास करने वालों का पिता बन गया, और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता बन गई। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, शायद आज आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आज आप अनुभव कर नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आप विश्वास का कदम उठाना प्रारंभ कीजिए, आप
वो देखेंगे जो आपने कल्पना नहीं की। आज शायद आप अपने शरीर में चंगाई को अनुभव नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए आप उस चंगाई को देखेंगे जो औरों ने नहीं पाई। आज आप अपनी आत्मिक परिस्थितियों में, अपने बच्चों की आत्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आप वो देखेंगे कि कैसे आपके बच्चे परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाते हैं। आज आपके श्रापों के ऊपर आपको उत्तर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन विश्वास कीजिए आप वो देखेंगे एक अद्भुत छुटकारा। आज कुछ बहनें शायद अपने एक पीढ़ी के लिए ललायित होंगी, कुछ भाई सोच रहे होंगे एक संतान उन्हें मिले, अभी तक आपने नहीं देखा होगा, लेकिन विश्वास कीजिए, अब्राहम ने भी किया, सारा ने भी किया, विश्वास कीजिए आप एक पीढ़ी को देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर निर्वंश रखने वाला परमेश्वर नहीं है। व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय उसके 14 वचन को आप क्लेम कर लीजिए, और अगर आप वो बहन है, वो भाई है जो एक बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हैं, इस वचन को लिखकर नोट कर अपने बेडरूम पर लगा दीजिए, रोज उसे देखिए, उसे क्लेम कीजिए। व्यवस्था विवरण 7:14, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना तो कोई पुरुष ना कोई स्त्री निर्वंश होंगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई नहीं होगा। विश्वास कीजिए प्रियो, हैव फेथ, विश्वास कीजिए। स्वर्गीय पिता, आज हम अंधे की बातों को विश्वास करते हैं, जो स्वर्गीय पिता आज हम अंधे की बातों को विश्वास करते हैं, जो आशा की हुई वस्तुओं पर हम निश्चय करते हैं कि वो होंगी, हमारी शारीरिक आंखों से नहीं लेकिन आत्मिक आंखों से, हमारी बुद्धि से नहीं लेकिन हमारे विश्वास से, और आज इन भाई बहनों के जीवन में भी वही होने दे जो आप चाहते हैं, यीशु के नाम से आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीषित करे।